आज की हमारे इस वीडियो का टॉपिक सिंगल पोल एंड टू पोल एमसीबी डिफरेंस के ऊपर है। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम सिंगल पोल की एमसीबी या फिर टू पोल की एमसीबी, हमको घर में कौन सी एमसीबी लगानी चाहिए, इससे जुड़े सारे सवालों के ऊपर बात करेंगे। कई लोगों के मन में यही ज़्यादातर क्वेश्चन होता है कि हमारी जो सिंगल पोल की एमसीबी होती है उसको हम फेस से निकाल लेंगे तो हमको फेस में उसमें प्रोटेक्शन मिल जाएगी, तो आखिर हम टू पोल की एमसीबी क्यों लगाए, क्योंकि टू पोल की एमसीबी के अंदर हमको न्यूट्रल के लिए भी एक और पॉइंट दिया होता है। तो दोस्तों आखिरकार इसका कोई फायदा है या फिर कंपनी हमको सिर्फ यूं ही पागल बनाने के लिए टू पोल की एमसीबी दे रही है, तो दोस्तों इसके ऊपर ही हम बात करेंगे। इसी के साथ साथ हम एक और मुख्य क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे कि हमारा फेस वायर और अर्थ वायर, अगर ये दोनों आपस में टच होते हैं क्या ये हमारा शॉर्ट सर्किट होता है या नहीं होता। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम एक एक करके इन दोनों सवालों के ऊपर बात कर लेंगे, तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम इसी पॉइंट के ऊपर बात कर लेते हैं कि आप फेस और अर्थ अगर ये दोनों टच होते हैं आपस में तो क्या शॉर्ट सर्किट होगा। तो आप में से अधिकतर लोग अभी बोल रहे होंगे जरूर शॉर्ट सर्किट होगा, तो दोस्तों ये जवाब भी बिल्कुल सही है। कभी भी आपका जो फेस वायर है और हमारा जमीन की जो अर्थ है वो अर्थिंग है, कभी भी हम इन दोनों को आपस में टच करा देंगे शॉर्ट सर्किट होगा, लेकिन कभी हम हमारा जो न्यूट्रल है उस न्यूट्रल को अर्थिंग से जुड़ाएंगे तो ये हमारा कोई शॉर्ट सर्किट नहीं होता है। अब दोस्तों कई लोगों के मन में यह भी सवाल रहता है जो बेसिक सा सवाल है पर ये हम सभी के मन में कन्फ्यूजन रहता है कि अगर फेस और अर्थ आपस में शॉर्ट सर्किट हो रहे हैं तो अगर हमारा फेस जो है वो जमीन पे टच हो जाता है तो शॉर्ट सर्किट क्यों नहीं होता। तो दोस्तों अर्थिंग का मतलब ये नहीं है कि जमीन के टच होना, अर्थिंग का मतलब ये है कि प्रॉपर उसको ग्राउंड मिलना। आपने सभी ने देखा जब हम अर्थिंग को करते हैं तो हम जमीन से थोड़ी अर्थिंग जोड़ देते हैं, हम कैसे जोड़ते हैं, हम जमीन के अंदर एक खड्डा करते हैं और हम ये खड्डा कब तक करते रहते हैं जब तक हमारी जो मिट्टी है वो मिट्टी थोड़ी मॉइस्चर वाली ना आ जाए, तो इतनी दूरी तक हम खड्डा करते रहते हैं, तो इसीलिए करते हैं हम एक प्रॉपर अर्थिंग देने के लिए। तो कभी भी अगर आपके जो फेस वायर है उस फेस वायर को इस प्रॉपर अर्थिंग से टच कराते हैं तो यहाँ पे हमारा शॉर्ट सर्किट जरूर होगा। तो पहले क्वेश्चन का जवाब यही है कि हमारा फेस और अर्थ आपस में टच होने पे शॉर्ट सर्किट जरूर होता है। अब दोस्तों इसके बाद में हमारा दूसरा मुख्य सवाल कि सिंगल पोल और टू पोल एमसीबी में क्या डिफरेंस होता है। तो दोस्तों देखिए सिंगल पोल एमसीबी और टू पोल एमसीबी में डिफरेंस तो आप सभी को पता है कि हम सिंगल पोल एमसीबी में सिर्फ एक वायर को ही हम सेफ्टी दे पाते हैं, जबकि टू पोल में हम फेस और न्यूट्रल या दोनों को सेफ्टी देते हैं। अब दोस्तों आखिरकार जो टू पोल की एमसीबी है, मैं आपको क्लियरली आंसर दे दूं कि जो टू पोल की एमसीबी है ना, अगर आप आपके घर में फेस और न्यूट्रल का उपयोग करें तो कोई जरूरत ही नहीं टू पोल एमसीबी का। टू पोल एमसीबी के अंदर दोस्तों देखिए टू पोल एमसीबी जो आती है ना वो अलग अलग तरह की आती है। आप देखेंगे आप जब भी एमसीबी को लेने जाते हैं ना तो एमसीबी है, इस एमसीबी पे एक इस तरीके का सिंबल बना होता है, ये इस तरीके का सिंबल बना होगा। जैसे अगर हमारी सिंगल पोल की है तो आपका एक ऐसा बना होगा, अगर टू पोल की एमसीबी है तो ऐसे आपके दो बने होंगे, ठीक है, और थ्री पोल की तो एक और सेम ऐसा बना होगा। अब दोस्तों कभी भी आप एमसीबी लेने जाओ तो आप जो एमसीबी लेंगे उसके अंदर जो सिंबल है वो इस तरीके का दिखेगा। एक तो आपको इस तरीके का होना चाहिए, एक साइड इस तरीके का सिंबल हो, इसके अंदर हम क्या जोड़ेंगे फेस वायर को जोड़ेंगे, और दूसरी साइड हमारा जो सिंबल हो वो सिंबल बिल्कुल सेम इसी तरीके का हो। तो हमको जो एमसीबी लेनी है वो इसी तरीके की लेनी है। ये जो एमसीबी होती है इसकी कॉस्ट हमारी कम होती है। इसकी कॉस्ट कम क्यों होती है, क्योंकि इसके अंदर हमको जो सुरक्षा मिलती है वो सिर्फ एक ही पोल पे मिलती है। एमसीबी का जो एक पोल होता है ना, इस एक पोल पे ही हमको सुरक्षा मिली, इस दूसरी वाली पे हमको कोई भी सुरक्षा नहीं मिली। पर दोस्तों कभी भी आप इस तरीके के एमसीबी का उपयोग करते हैं तो एक बात का ध्यान रखिएगा कि हमेशा जो हमारा जो फेस वायर है उस फेस वायर को आपको इसी पॉइंट पे लगाना है। जो इस तरीके की एमसीबी आती है इसमें साफ लिखा भी रहता है कि आपको इस जगह न्यूट्रल जोड़ना है। अगर नहीं भी लिखा हो तो आपको हमेशा इस तरीके का निशान देखना है जिसमें यहाँ पे कोई भी प्रोटेक्शन ना हो, इसके अंदर हमको न्यूट्रल ही जोड़ना है। यहाँ पे फेस जोड़ेंगे तो हमारे प्रॉब्लम हो जाएगी, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों आखिरकार अगर हमारी टू पोल एमसीबी की आवश्यकता ही नहीं है तो टू पोल एमसीबी आती क्यों है। तो इसका सिंपल आंसर यह है, जब हमारी एमसीबी स्टार्टिंग में आती थी तो जो सिंगल पोल की एमसीबी थी ना ये मात्र 20 एम्पीयर तक ही आती थी, 20 एम्पीयर के ऊपर नहीं आती थी। पर आजकल के समय आप देखेंगे तो 63 एम्पीयर तक की भी सिंगल पोल की एमसीबी आती है। फिर भी दोस्तों कई लोगों के मन में यह सवाल रहता है कि अगर मैं टू पोल की एमसीबी लगाऊंगा तो हमको डबल सुरक्षा मिल जाएगी, हमको न्यूट्रल पे भी सुरक्षा मिल जाएगी। पर दोस्तों हमको न्यूट्रल में कोई सुरक्षा की जरूरत ही नहीं होती। अगर हमको न्यूट्रल में सुरक्षा की जरूरत होती ना तो आपने कई बार देखा हम घरों के अंदर हमारे फ्यूज का इस्तेमाल करते हैं, तो जो फ्यूज है उस फ्यूज को हम न्यूट्रल में क्यों नहीं लगाते, हम फ्यूज को ओनली फॉर फेस में क्यों लगाते हैं। वो इसी वजह से लगाते हैं, हमारा जो करंट है वो करंट हमारा फेस के होते हुए निकलेगा और जो न्यूट्रल है ये न्यूट्रल हमारा एक रिटर्न पाथ है। तो हमारी जो जितनी भी सुरक्षा है वो सुरक्षा हमको सिर्फ फेस वायर पे ही चाहिए होती है। अगर आप बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर भी देखोगे ना तो उसमें भी जो न्यूट्रल पे कोई भी सर्किट ब्रेकर नहीं लगे रहते हैं, वहां पे न्यूट्रल पे सिर्फ एक रिले लगी रहती है जो कि सेंस करती रहती है और कभी कोई हमारा अर्थ के साथ में कोई फॉल्ट होता है तो उसको वो बता देती है। और इसके अलावा मैं आपको एक और एग्जांपल दूं, आपने एमसीसीबी सर्किट ब्रेकर का तो नाम जरूर सुना ही होगा। ये जो एमसीसीबी जो बड़ा सर्किट ब्रेकर होता है जिसका नाम है मॉड्यूल के सर्किट ब्रेकर, ये जो एमसीसीबी होता है इसके अंदर कई सारे ऐसे एमसीसीबी आते हैं जो हमारे थ्री पोल की ही होती है, उसके अंदर हमारा न्यूट्रल कनेक्ट ही नहीं होता, हम वहां से न्यूट्रल डायरेक्ट बाईपास ले जाते हैं और आगे जाकर कनेक्ट करते हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखिए कि हमको न्यूट्रल में कोई सेफ्टी देने की जरूरत नहीं होती है। पर दोस्तों फिर भी अगर आप आपके घर के लिए एमसीबी को लेने की सोच रहे हैं तो आप हमेशा टू पोल की ही एमसीबी लें, सिंगल पोल की ना लें। अगर आप आपका कोई उपकरण टू फेस की वायरिंग से चला रहे हैं तो आप तो टू पोल की एमसीबी लगाएं, पर अगर आप एक सिंगल फेस और एक न्यूट्रल से किसी उपकरण को चला रहे हैं तो भी आप टू पोल की एमसीबी लगाएं। पर जो मैंने आपको
बताया इस तरीके की आप एमसीबी लगाए जिसमें आपको सिर्फ एक तरफ ही प्रोटेक्शन मिले, दूसरी साइड आप यहाँ पे न्यूट्रल को कनेक्ट कर सको। दोस्तों अगर आप एमसीबी को लेने की सोच रहे हैं और आपको एमसीबी नहीं मिल पा रही है तो मैं कोशिश करूंगा कहीं ऑनलाइन इस तरीके की एमसीबी मिलेगी तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से परचेस कर लीजिएगा। दोस्तों आशा करता हूं कि आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ बेहतर जानकारी मिली होगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा इस वीडियो को लाइक कीजिए बताना। अगर आपको कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति इलेक्ट्रिकल जुड़ा था आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल वीडियो अगर आप हमें देखना पसंद करते हैं आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।